इस चैनल पर हम आपके लिए मिस्टीरियस इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानकारी से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाएं। दोस्तों, कजाकिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत मुसलमान देश है और यहाँ की लगभग 70% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है, लेकिन फिर भी यह देश दुनिया के दूसरे मुसलमान देशों से काफी अलग है और यहाँ पर कोई भी धर्म स्थान, यहाँ तक कि मस्जिद बनाने से पहले भी सरकारी अथॉरिटी का परमिशन लगता है। तो आज मैं आपको कजाकिस्तान के बारे में कुछ रोचक तत्वों के बारे में बताने जा रहा हूँ। कजाकिस्तान रूस के पूर्व में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत और विकसित देश है जिसका आधा हिस्सा यूरोप और आधा हिस्सा एशिया में आता है। कजाकिस्तान शिक्षा, साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में किसी भी अन्य मुसलमान देशों से काफी अच्छा माना जाता है। क्षेत्रफल के लिहाज से यह दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान देश है और यह इतना बड़ा है कि अगर पूर्वी यूरोप को पूरा मिला दिया जाए तो भी कजाकिस्तान के आगे छोटा पड़ सकता है। कजाकिस्तान रूस बॉर्डर दो देशों के बीच आने वाले दुनिया का दूसरा सबसे लंबा बॉर्डर है। कजाकिस्तान की ज्यादातर जमीन बंजर और सूखी है, लेकिन यहाँ पर मिलने वाली खनिज तेल और यूरेनियम की कीमत लोगों को हैरान कर सकती है। 1990 के दशक में यहाँ की राजधानी अस्ताना के एक बंजर शहर मानी जाती थी, लेकिन आज अस्ताना दुनिया के सबसे विकसित शहरों में से एक माना जाता है। दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा स्पेस सेंटर कजाकिस्तान में मौजूद है और रूस अपनी ज्यादातर सैटेलाइट कजाकिस्तान द्वारा ही भेजता है। कजाकिस्तान का नाम दुनिया में उन देशों में से आता है जहां लड़कियों की मात्रा लड़कों से काफी अधिक है और यहां की लड़कियां काफी खूबसूरत होती हैं। यहां पर महिलाओं को बहुत ही सुविधा और सम्मान दिया जाता है, यही कारण है कि महिलाएं साइंस और टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर पाई है। यहाँ की बहुत सी खूबसूरत महिलाएं यहाँ के सैनिक बल में बखूबी काम करती है। घोड़े चलाना कजाकिस्तान की संस्कृति का एक हिस्सा माना जाता है। कजाकिस्तान की धरती में इतनी मात्रा में तेल मौजूद है कि वह मिडल ईस्ट के किसी भी देश से लगभग 2 गुना से अधिक हो सकता है। कजाकिस्तान की आय का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर यूरेनियम उत्पादन द्वारा आता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। प्राचीन समय का सबसे मशहूर रोड सिल्क रोड कजाकिस्तान से होकर गुजरता है और यहाँ के काफी सारे लोग चंगेज खान के वंशज माने जाते हैं। दुनिया की सबसे लंबी चिमनी कजाकिस्तान में मौजूद है जो कि 1987 में बनाई गई थी। कजाकिस्तान में पानी के नीचे एक जंगल मौजूद है जो कि एक समय के दौरान भूकंप की वजह से नीचे दब गया।